hello students welcome back to my channel today we are going to study a new chapter that is a marching to freedom this is a lesson number 8 and i am having class 4 book english uh, i think english treasure you know, huh, english treasure महात्मा गांधी एंड इलावर्स डिसाइड टू वॉक ऑल द वे फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी इस स्टोरी में जो महात्मा गांधी और जो उसके फलोवर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक वॉक पर जाएंगे वो साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक ठीक है विलेज कहां पे वो गुजरात में है और ये प्रोटेस्ट है ठीक विद्रो है विद्रोह है अगेंस्ट टैक्स ऑन सॉल्ट कि जो एक सॉल्ट के ऊपर एक टैक्स लगाया गया था इम्पोज बायो ब्रिटिश ने लगाया था इम्पोज तो थोपना कोई चीज तो रीड टू नो व्हाट धानी धानी क्या होता है एक नाइन ईयर ओल्ड बॉय है इसमें वॉन्ट टू डू व्हेन ही लर्न्स अबाउट द इवेंट और वो क्या करना चाहता है जब उसको इस इवेंट के बारे में पता लगता है राइट धानी न्यू समथिंग एक्साइटिंग वॉज बींग प्लान एट द आश्रम बट नो वन वुड टेल हिम एनीथिंग जस्ट बिकॉज आई एम नाइन ईयर्स ऑल थॉट धानी ग्लमली ग्लमली क्या होता है सैडली होता है धानी को जब पता लगा एक्साइटिंगली मतलब एक प्लान किया जा रहा है आश्रम में लेकिन उसको कोई भी नहीं बताता है क्योंकि उसको ये लगता है कि वो नाइन ईयर्स का है वो छोटा है ठीक है तो वो बड़ा ही सैडली होकर सोचता है धानी and his पेरेंट्स लिव्ड इन महात्मा गांधी साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद where पीपल from ऑल ओवर इंडिया केम टू stay. जो धानी है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में के पास जो अहमदाबाद में वहाँ पे रहते हैं और जहाँ पे लोग बहुत इंडिया से मतलब कि दूर दूर से आते रहने के लिए लाइक like गांधी जी देवर ऑल फाइटिंग फॉर इंडिया फ्रीडम और गांधी जी की तरह जो लोग वहाँ पर आके रहते हैं वो भी फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं ऐट साबरमती एवरी वन हैड टू वर्क इवन धानी हैड अ जॉब ही हैड टू टेक केयर ऑफ ए बिन्नी वन ऑफ द आश्रम गोट्स और साबरमती में हर किसी को मतलब कि कोई ना कोई काम दिया जाता है और जब जबकि जो धानी होता है वो भी मतलब उसके पास एक जॉब होती है उसको एक बिनी नाम की जो काव होती है सॉरी uh, गोट होती है सॉरी वन ऑफ द आश्रम के गोट होते हैं उसकी केयर करनी होती है दैट मॉर्निंग एज धानी फैट बिनी फ्रेश ग्रास एंड चेंज द वॉटर इन हर बाउल ही सेट समथिंग अप बिनी दे ऑल सिट एंड टॉक इन गांधी जी रूम दे आर प्लानिंग समथिंग आई नो इट अब उस मॉर्निंग क्या होता है जब दानी मेरे को फीड कर रहा होता है जब इन्हीं फ्रेश ग्रास या चेंज करता है पानी उसका बाउल में पीने के लिए तो वह कहते हैं कि समथिंग अब बिनी मतलब कि कुछ है बिनी दे ऑल सीट्स की सब बैठे हैं बातें कर रहे हैं गांधी जी के रूम में और सब प्लानिंग कर रहे हैं कुछ करने को मुझे पता है बिनी चूर एंड नोडिड एज इफ शी अंडरस्टूड जैसे ये धा मतलब कि आपका धानी है और ये बिन्नी गोट है ठीक है और बिनी क्या करती है जब चूर करती है तो वो नोट करते हैं सीढ़ी लाते हैं जैसे उसको समझ आ रहा है धानी हैड टूअर्ड्स द किचन अब धानी क्या करता है किचन के पास जाता है बट विथ बिन्नी स्कीपिंग अलॉन्ग बिसाइड जैसे कि जो बिनी होती है वो भी स्कीप कर रही होती है इस पास में एंड his मदर वॉज फैनिंग द चूल्ह ठीक है मतलब कि चूल्हा मतलब जैसे गांव में जो ना एक मतलब कि जैसे रोटी पकाते हैं जिसके ऊपर से स्टोव होता है ऐसे एक चूल्हा होता है तो वो मतलब कि वो फैन कर रही थी फीलिंग अप द रूम विथ स्मोक जिससे क्या होता है कि जैसे वो चूल्हा जलाने के लिए आग जलाने के लिए क्या होता है वो धुएं को मतलब कि जैसे फैन करना पड़ता है पंखा मतलब हवा से जलानी पड़ती है तो वो धुआँ उसमें उड़ जाता है तो धुआँ होता है फिर उसके बाद आग लगती है ठीक है तो अम्मा इस गांधी जी गोइंग समवेयर ही उसने बोला कि अम्मा की गांधी जी कहीं जा रहे हैं हिज मदर सैर दे आर गोइंग ऑन अ मार्च की उसकी जो मम्मा ने बोला कि वो एक मार्च पे जा रहे हैं यात्रा पे जा रहे हैं मार्च वेर आर दे गोइंग वो कहाँ जा रहे हैं समवेयर नियर द सी उन्होंने कहा कि समुद्र के पास जा रहे हैं नाउ स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन एंड लेट मी फिनिश द कुकिंग कहते हैं कि अम्मू से क्वेश्चन पूछना बंद करो और मुझे खाना पकाने दो लो ऑफ टू द वेजिटेबल गार्डन वेयर ओल्ड बिंदा वॉज डिगिंग अप पोटेटोस जो धानी है वो क्या करता है मतलब घूमता है वो वेजिटेबल गार्डन में चल जाता है जहाँ पे एक ओल्ड पर्सन है बिंदा नाम का और जो डिगिंग करता है पोटेटोज को बिंदा चाचा धानी सेट डिसाइडिंग बिंदा चाचा बोलता है उसको और धानी दा, सेट उसके पास भर जाता है और कहता है आर यू गोइंग आप भी मार्च पे जा रहे हो बिंदा शोक साइड ने अपना है बिफोर ही कुर्ड से एनीथिंग कि वो कुछ कह पाता तो दानी इधर लिया दानी एकदम से उत्सुकता से बोलता है वेर आर दे गोइंग व्हाट्स हैपनिंग कि वो कहाँ जा रहे हैं वो क्या रहा है बिंदा स्टॉप डिगिंग एंड बिंदा ने अपना मतलब की डिगिंग करना स्टॉप कर दिया एंड सेट आई विल आंसर ओलियो क्वेश्चन कि मैं तुम्हें सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा बट फर्स्ट टाई अपट ट्रबल सम गॉड लेकिन सबसे पहले जो वो गोट है ना जो मतलब की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसको बांध शी चूइंग अप माई स्पिन एच और वो मेरी जो पालक लगा रही है उसमें वो सारी खा रही है धानी ड्रैग बिनी अवे और वो ड्रैग मतलब जैसे खींच के लेके जाते हैं किसी को बिनी को लेकर जाता है टाइड हर टू द लेमन ट्री नियर बाय वो लेमन ट्री के साथ बांध देता है आपको दिखाई दे रहा तो है वो मार्च के बाद दांडी और गांधी जी और कुछ लोग आश्रम में से वॉक करते हुए गुजरात में जा रहे होते हैं उस मंदिर के पास और जिस प्लेस को क्या बोला जाता है दांडी दुड वॉक थ्रू विलेज विलेजेस एंड टाउन फॉर अ होल मंथ और वो क्या करते हैं कि भाई वो पूरा मंथ उस विजेस टाउन से होके जाएंगे दे देरी डांडे और जब डांडे पहुंचेंगे तो वुड मेक सॉल्ट और वहां पे क्या बनाएंगे एक सोल्ट बनाएंगे सोल्ट धानी सेटअप एंड फ्रॉन्ट फ्रॉन्ट क्या होता है जब हम अपनी बोहे चढ़ाते हैं, हैं सोल्ट वाई विल दे मेक सोल्ट वो सोल्ट क्यों बनाएंगे यू कैन बाई इट एवरी शॉप उसको किसी भी शॉप से खरीद सकते हो आई नो बिंदा लावरो पता है बट महात्मा जी हैज महात्मा मा, जी हैज प्लान के पास प्लान है यू नो ही ऑलवेज मार्च इज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग राइट कि तुम्हें पता ना कि जब भी वो मार्च पे जाते हो किसी यात्रा पे जाते तो किसी ना किसी बोले कि प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जाते हैं वो अफकोर्स आई नो मुझे पता ही लीज द सत्याग्रह मार्च मुझे पता है कि वो सत्याग्रह मार्च पर जा रहे हैं टू फाइट द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको फाइट करने के लिए एंड विन फ्रीडम फॉर इंडिया और इंडिया के लिए फ्रीडम जीतने के लिए बट वाई इज ज ही लेकिन वो सोल्ट के लिए ऑल हैव टू है टैक्स ऑन सोल्ट फिर वो कहते हैं तुम्हें पता है टैक्स हमें पे करना पड़ता है सोल्ट के लिए सो so वट तो क्या हुआ एवरी वन सोल्ट सबको सोचिए इंडियन हर इंडियन को हर पुअरेस्ट को सबको टैक्स पे करना पड़ेगा ओ दैट्स अनफेयर हां ये गलत है धानी आइज वर हॉट विद एंगर उसकी जो आंखें थी वो बहुत गुस्से से लाल हो जाती हैं ऑफ कोर्स इट्स अनफेयर हाँ ये सही है गलत है नॉट ओनली दैट इंडियंस आर नॉट अलाउड टू मेक एनी सॉल्ट इधर और जबकि इंडियंस को परमिशन भी नहीं है कि वो कोई सॉल्ट बनाएंगे महात्मा जी द ब्रिटिश टू स्टॉप द टैक्स और महात्मा जी उनको ब्रिटिश को बोला है कि वो टैक्स को स्टॉप करें बट दे हैव लेकिन उन्होंने मना कर दिया सो ही डिसाइडेड टू वॉक टू डांडी तो इसने डिसाइड किया कि वो डांडी में वॉक तक जाएंगे वॉक करते हुए जाएंगे और मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर और सी वाटर से फिर वो क्या करेंगे सॉल्ट को बनाएंगे वॉकिंग फॉर अ मंथ और एक महीने तक वो करते हुए धानी दान, से एडवर्डली और धानी बड़े चिंतों के कहते हैं गांधी जी विल गेट रियली टाइट कि गांधी थक नहीं जाएंगे व्हाई डोंट दे टेक ए बस और ट्रेन टू डांडी इंस्टेट कि वो कोई बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे हैं इसकी बजाय बिकॉज इफ़ यू गोज ऑन दिज लॉन्ग मार्च एंड वॉक्स ऑल द वे टू डांडी द न्यूज़ विल स्प्रेड अब वो कहते हैं कि अगर वो पहले की लंबी यात्रा पर जाएंगे पैदल जाएंगे ना तो दांडी तक रास्ते में तो ये न्यूज सब तक फैल जाएगी देर विल बी पिक्चर्स ऑन द पेपर्स रिपोर्ट ऑन द रेडियो ठीक है तो कुछ पिक्चर्स भी पेपर्स में छपेंगी रिपोर्ट भी आएंगे रेडियोज में पीपल्स जो हर जगह है उनको सबको पता लग जाएगा कि जो हम क्या है फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं एंड दैट विल बी द एम्बेरेज द ब्रिटिश और जिससे वो ब्रिटिश है एम्बेस हो जाएंगे मतलब उनको शर्म आएगी एंड गांधी जी इसके अलावा गांधी जी तो समझदार है दान जो धानी है बीम दान मतलब जो बीम मतलब वो स्माइल करता है एंड वो दैट ही द ही इज बिंदाज आइस क्रिंकल्ड विद लाफ्टर क्रिंकल्ड का मतलब क्या होता है कि जब आपकी मतलब क्रिंकल्ड का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे एक मिनट नीचे दिया भी हुआ है क्रिंकल का मतलब क्या है आइज बी केम स्मॉल विद फोल्ड अराउंड जब आपकी आंखें छोटी हो जाती है जब आप हंसते हो ना तो उसको बोलते वो उन्होंने को भी लिखा है and बताया कि उनका प्लान क्या है इन क्या होता है जब वो आश्रम मतलब की शांत था धानी दा। वंट लुकिंग फॉर इज फादर और जो धानी अपने फादर को देख रहा होता है ही फाउंडर ट्री उसको ट्री के नीचे मिलते हैं स्पिनिंग ऑन इज चरखा और अपना चरखा चला रहे होते हैं

नानी रिप्लाइड स्टबनली स्टबनली करते हैं बड़े मतलब कि गुस्से से जब शोइंग आप क्या करते हो आप मतलब कि चेंज नहीं कर पा सकते है ना मतलब कि जब आप मतलब कि देरता से आप कह सकते हो यू कॉन्ट स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग विद यू कि आप मुझे आप वहाँ जाने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो नेक्स्ट क्या है आपका हिज फादर स्टॉप स्पीनिंग उसके जो फादर होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं एक्सप्लेन करते हैं ओनली द पीपल हु हैव बीन चोजन बाय महात्मा जी विल गो कि जिन लोगों को महात्मा जी ने चूज किया है सिर्फ वही जाएंगे फाइन आई विल टॉक टू हिम देन कि मैं ठीक है मैं उनसे बात करूंगा आई एम श्योर ही विल से यस मुझे विश्वास है कि वो येस yes बोलेंगे धानी ने बोला मास्ट ऑफ ठीक है मैंने भी जाना नेक्स्ट मॉर्निंग एज द सन केम अब और जब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ सन जब राइज होता है धानी स्लीप ऑफ बेड आने जब बेड से उठता है एंड वेट लुकिंग फॉर गांधी जी को देखता था फाउंडेमिन काउश चेकिंग ऑन ऑल द काउस जहां पर गायबंदी होती है वहां पर वो उनको चेक करता है देन ही स्ट्रॉल इन टू दजिटेबल गार्डन टू द इंस्पेक्ट द पीज एंड कैबेज एंड हैव अ चैट विध बिंदा ठीक है और वो जब स्टोर कर रहे होते 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 हैं वेजिटेबल गार्डन में इंस्पेक्ट करते हैं कि मटर्स वगैरह जो कैसे लगी हुई है बातें करते हैं बिंदा से ऑल द वेल धानी एंड बिंदा फॉलोअ और उसी टाइम में क्या होता है जब धानी और बिंदा उसको फॉलो कर रहे होते फाइनली गांधी जीड इड बैक टू तो हिड जब वो वापस अपनी हट में आते हैं तो ही से डाउन बी साइड द चरखा इन द वेंडा और वरेंडा में जब अपनी चरखा के पास आके बैठते हैं कोल्ड आउट टू धानी और धानी को जब बुलाते हैं कम हेयर चैट इधर आओ बच्चे धानी ट्रेन अब धानी एक तुमसे दौड़ता है विद बिनी स्कीपिंग अलॉन्ग और बिनी भी उसके साथ जारी होती है एंड वट्स योर नेम आपका नाम क्या है धानी एट दिस इज योअर गॉड टू ड्रिंक एवरी मॉर्निंग की जो दूध दे दी है और फिर वो आपको एवरी मॉर्निंग आपको मिलता है ठीक है धानी स्माइल्ड प्राउडली आई टेक केयर ऑफ हर की और बड़ी कॉन्फिडेंटली वो बोलता है कि मैं उसकी केयर करता हूँ गुड गांधी जी ठीक है और फिर वो कहते हैं कि भाई अच्छा है और फिर वो थोड़ा क्लोजर आते हैं नाउ धानी टेल मी वाई आ, यू एंड बीनी हैव इन फॉलोइंग मी एवरी वी आर दिस मॉर्निंग आज मैंने लगी तुम मुझे फॉलो क्यों करो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ जा रहे हो आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग कि मैं तुमसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ धानी बी के नर्वसली और धानी बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं कैन आई कम विद यू टू डांडी कि क्या मैं आपके साथ डांडी की यात्रा पर आ सकता हूँ गांधी जी स्माइल गांधी जी स्माइल की यू आर टू स्मॉल कि तुम बहुत छोटे हो दान, इस था, 385 कि जो जो यात्रा वो 385 दूर हैं और सिर्फ यंग मैन है लाइक फादर young, लेकिन तुम अभी बड़े नहीं हो धान सेट वो नॉट यू फील टायर्ड टायर्ड फील नहीं करोगे आई एम वेरी गुड वॉकर मैं बहुत अच्छा वॉकर किया आई एम अ गुड वोकर टू दैन वॉज एडमेंट और वो बड़े मतलब कि स्ट्रॉगली बोलता है स्टबनली बोलता है ठीक है मतलब बुरे कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं भी बहुत अच्छा वोक करूँ ओ ये गांधी जी लुक थॉटफुल और गांधी जी दॉटफुल नजर आते हैं कि अच्छा तुम भी बट देर इज अ प्रॉब्लम लेकिन एक प्रॉब्लम है इफ़ यू गो विद मी लेकिन अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो हु विल टेक केयर ऑफ बिन्नी बिन्नी की कौन केयर करेगा जो मेरी गोट है ठीक है आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग इतना लंबा चलने के बाद आई विल बिकम वीक मैं वीक हो जाऊँगा वन आई कैम बैक जो मैं वापस आऊँगा विल नी टू ड्रिंक लॉर्ड्स ऑफ मिल टू बी कम

एग्जैक्टली सो विल यू स्टे इन द आश्रम टेक केयर ऑफ बिन्नी फॉर मी और फिर वो कहते हैं कि बिल्कुल सही तुम्हें अपने यहीं आश्रम में रहना है और बिन्नी की केयर करनी है येस yes, गांधी जी आई वेल सिरदानी और वो दानी को बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल करूँगा एंड बिन्नी एंड आई विल वेट फॉर यू और जब मैं बिन्नी है और मैं आपके लिए वेट करूंगा ठीक है तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है मतलब एक छोटे से बच्चे को भी कितनी क्यूरियसिटी होती है कि भाई मुझे भी जाना है लेकिन फिर गांधी जी की देखो आप कितने अच्छे से उनको उसको समझाता है और उसको बाद में समझ भी आ जाता है ठीक है तो हम इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन का काम करता है आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत है मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टिल देन बी हैप्पी कीप स्टडिंग